ट्रिगोनोमेट्री और हम लोग इसमें थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी बेस्ड ऑन 3.2 पर आधारित थ्योरी पढ़ रहे हैं। कुछ पॉइंट्स लिखा रहे थे, बी नंबर घर है कि घर सी नंबर, बी नंबर, बी का कौन था, दो हो गया था, बी का तीन। अब सुनिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, खूब ध्यान से देखिए, कॉसेक स्क्वायर को एच बाई पी का स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉट को बी बाई पी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, एलसीएम हो गया पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच में से बी गया, बटा पी स्क्वायर कट के वन हो गया। इसमें क्या सीखे आप, इसलिए आप सीख गए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा कितना आएगा। अभी प्रूफ भी कर दिए हम, कब अगर यहां से हम कोसेक स्क्वायर थीटा निकालें तो वन प्लस हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालें उधर चल जाएगा, ये वन आके घटेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अगर केवल कॉसेक थीटा निकाले प्लस माइनस वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर केवल कॉट थीटा निकाले ये कितना हो जाए, प्लस माइनस प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। डबल हो गया ना, ये आपका फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है। एक हो गया, किचन देख लेते हम लोग, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान वन हो गया, यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया, अगर यहां से खाली कोसेक थीटा निकाले तो प्लस माइनस रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर कॉट थीटा निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अच्छा आप कह रहे माइनस वन नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। चलिए सुनिए, एक तो ये हो गया बी का तीन नंबर, अब यहां सी नंबर वैरायटी देखिए, अगर हम टैन थीटा कहीं पे लिख रहे हैं तो ये होता है पी बाई बी, दोनों में हम एक से भाग दे देते हैं, दे सकते हैं ना भाग, ऊपर हो गया p बटा h माने साइन थीटा और नीचे हो गया कॉस थीटा, इसलिए
कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसको भी याद रखना है। फिर अगर cot थीटा निकालें तो cot थीटा कितना होता है, b बाई पी, h से हम भाग दे देते हैं तो b बटा h यानी cos थीटा, और नीचे हो गया sin थीटा, तो cot थीटा मिल गया cos थीटा बटा पता परेशानी सब आप जानते होंगे, सब मैट्रिक वाला ही। अब सुनिए, अब कुछ नया मिलेगा। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का हिंदी चतुर्थांश होता है, क्वाड्रेंट का हिंदी चतुर्थांश होता है। अब सुन लीजिए, एक समतल को चार हिस्सा में डिवाइड कर दे तो क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो ये क्वाड्रेंट आप मैट्रिक में भी पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहता है तो प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, ऐसे लिखते हो ना, प्लस प्लस। यहाँ पे पहले x निगेटिव है, y पॉजिटिव, इसमें x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, इसमें x का वैल्यू प्लस में y का वैल्यू, ऐसे करके आप पढ़े। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे पढ़े कि दोनों प्लस प्लस में देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला है, माइनस प्लस देखते हम समझ जाएंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट का, माइनस माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का, प्लस माइनस मतलब। लेकिन ये हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में प्लस माइनस से हम नहीं पहचानेंगे, हम लोग एंगल के हिसाब से पहचानेंगे। प्लस प्लस ये वाला यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ पे देखिए क्या होगा। इस क्वाड्रेंट को हम कैसे पहचानेंगे, जीरो से पाई बाई टू के बीच अगर कोई एंगल है इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, क्योंकि ई जो एक्सिस होता है जीरो या टू पाई इसको बोल सकते हैं, जीरो या टू पाई इसको बोल सकते हैं। जीरो या कितना बोलेंगे, टू पाई। ई वाला जो होता है पाई बाई टू 90 का होता है, ई वाला जो होता है 180 का होता है, एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं आप, एंटी को ऐसे ही ना मापते हैं। ई कितना होगा, एक को 90, दो को 90, तीन को 90, 270, 90 दिया 270, 3 पाई बाई 2, ऐसे ही होता है। इस क्वाड्रेंट में अगर एंगल है तो वह एंगल 0 से 90 का है, इस क्वाड्रेंट में एंगल 90 से 180, 90 से बड़ा, इस क्वाड्रेंट में 180 से बड़ा, 3 पाई बाई 2 से छोटा, इसमें एंगल 270 से बड़ा और 2 पाई से छोटा। बताओ किसी को है परेशानी इसमें, इसमें कहां से कहां तक रहेगा, जीरो से पाई बाई, इसमें कहां से कहां तक रहेगा, इसमें इसमें
टू पाई तक, इसको रट जाना है। कोई पूछेगा 90 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, एक्सिस है क्वाड्रेंट में नहीं है, कहां पे? जीरो से 90 के बीच का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 सेकेंड में, 180 से 270 थर्ड में, 270 से 2π फोर्थ में होता है। एंगल देखकर हम पहचान जाएंगे कि कौन किस क्वाड्रेंट में है। अब हमको देखना है टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, तो हम टी रेशियो देखेंगे। टी रेशियोज चाहे साइन ऑफ टी रेशियोज, साइन ऑफ टी रेशियोज SIGN, साइन ऑफ टी रेशियोज मतलब साइन थीटा कॉस थीटा का चिन्ह। तो आइए हम ए नंबर में देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें क्या होगा? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही ना है, ये ना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे ना तो इसका बेस ना, आधार हमेशा एक्स एक्सिस पे ना होता है। खड़ा चीज को आधार कैसे बनाएंगे, माने जनरली ई हो गया बी, जैसे कि एंगल तो आप यहीं पे दोगे ना तो एंगल 90 तो बेस तो एक्स एक्सिस हो जाएगा, एंगल यहां ले तो ई बेस हो जाएगा, तो एंगल यहां का कोई मतलब है नहीं। इसी से तो एंगल आप यहां से करते हो कब, अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं तो बेस हमेशा किसको मानना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को ही बेस मान के बात करना पड़ेगा। तो बेस यहां पॉजिटिव, इसका क्या कारण है? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है और परपेंडिकुलर ये भी पॉजिटिव, क्योंकि एक्सिस से ऊपर वाई का मान प्लस है और हाइपोटेनस पॉजिटिव होता है। तो आप एक चीज जान रहे हो कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट कोई भी अगर टी फंक्शन हम लेते हैं तो भुजा का ही अनुपात है। अगर साइन थीटा ले तो पी बटा ए प्लस बटा प्लस प्लस होगा, कॉस थीटा ले तो बी बटा ए प्लस बटा प्लस प्लस होगा। यदि इसमें और टी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी पॉजिटिव होता है। जैसे यहां कोई भी हम चीज निकालें, जैसे मान लो कोई बच्चा इसमें अगर साइन थीटा निकालना चाह रहा है, निकाल लो पी बटा एच परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है ना, पॉजिटिव बटा पॉजिटिव, जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे आप याद भी किए होंगे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री तक वैल्यू याद किए हैं, कोनो माइनस में है, सब कति में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो साइन ही नहीं, ऐसा कोई भी टी फंक्शन लेंगे सब पॉजिटिव होगा, ऑल टी पॉजिटिव। इसमें सभी टी फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जीरो से 90 में सभी टी फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब आइए विद्यार्थी बी नंबर में देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट इसमें क्या होगा? तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये ड्रा कीजिए, सेकेंड तो यही ना होगा, इसमें ट्रायंगल सोचिए, बेस हो गया पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक्सिस एक्स पे नेगेटिव एक्सिस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव है सर। तो इसमें अगर हम निकालें तो कौन कौन पॉजिटिव आएगा, पी और एच से जो मिलके बना है, पी बटा एच यानी प्लस बटा प्लस प्लस आएगा,
या एच बटा पी वो भी प्लस में आएगा, बाकी कोई भी बटा करेंगे तो निगेटिव में आएगा। तो पी और एच से क्या बनता है, साइन बनता है, साइन थीटा पी बटा एच या कॉसेक बनता है एच बटा पी। यानी हम कह सकते हैं इसमें कि अगर इसमें हम निकालें साइन थीटा तो पी बटा एच पॉजिटिव बटा पॉजिटिव कुल मिला के पॉजिटिव आएगा। कॉसेक थीटा निकालें एच बटा पी ये भी पॉजिटिव बटा यानी कुल मिलाकर, लेकिन इसके अलावा बाकी कोई भी निकालेंगे, जैसे मान लो कॉसेक थीटा निकाल लेते, कॉसेक नहीं कॉस थीटा, तो बी बटा एच होता है, बी बटा एच होता है ना, यानी निगेटिव कुल मिला के। तो ऐसे कोई भी दूसरा निकालेंगे तो निगेटिव होगा, खाली साइन और कॉसेक क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसलिए लिख सकते हैं इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग जो बच गया आर निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और शेष जो बच गया उस सब क्या होता है निगेटिव होता है। रिमेनिंग आर ई एन ए आई एन आई एन जी ज्यादा उसमें हो गया। चलिए कौन सा क्वाड्रेंट में हम बात किए, पूरा मामला सेकेंड क्वाड्रेंट का है। आइए अब थर्ड क्वाड्रेंट का हाल देखा जाए। थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ फिगर बनेगा इस टाइप का, देखिए खोखी ऐसे बनेगा, तो इसमें बेस भी निगेटिव, परपेंडिकुलर भी निगेटिव और हाइपोटेनस पॉजिटिव। इसमें निगेटिव बटा निगेटिव पॉजिटिव हो, मैंने टैन निकालेंगे ना टैन थीटा निगेटिव बटा निगेटिव मिलकर कॉट थीटा निकालेंगे तो बी बाई पी ये भी निगेटिव बटा कुल मिलाकर पॉजिटिव है। इसके अलावा कुछ निकालेंगे जैसे साइन थीटा पी बटा एच होता है परपेंडिकुलर निगेटिव बटा पॉजिटिव कुल मिला के साइन वगैरह निगेटिव, मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी कोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा। ये निकालने से निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर जो बच रहा है क्या हो जाएगा निगेटिव, टैन कॉट पॉजिटिव और बाकी सब थर्ड। अब आइए अब फोर्थ में देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हैं फिगर कैसे बनेगा। देखिए यही ना फोर्थ, इसमें बेस पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और ये निगेटिव, क्योंकि एक्सिस से नीचे वाई निगेटिव होता है और ये समझ रहे हो ना एक्स एक्सिस से नीचे कहीं भी वाई क्या होता है निगेटिव होता है। अब कैसे बनाएंगे इसको समझिए, इसमें अगर बहादुर हम बी और एच से जो बनता है पॉजिटिव जैसे कॉस थीटा बी बटा एच होता है ना पॉजिटिव बटा पॉजिटिव कितना आ गया
पॉजिटिव, सेक थीटा भी निकालेंगे पॉजिटिव बटा पॉजिटिव ही आएगा, बाकी कोई भी निकाले, बाकी कोई भी निकालेगा साइन थीटा ही निकाले, पी बटा एच होता है निगेटिव बटा पॉजिटिव, कुल मिला के निगेटिव। इससे निष्कर्ष निकला कि इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर निगेटिव, बचा हुआ क्या हो जाएगा? ठीक है, इनको आप थोड़ा डिटेल में लिखे, लेकिन इसको आपको ऐसे याद रखना है, आपको याद रखना है कि कुछ इस तरह से याद रखना है, बिल्कुल ठीक है। चलिए छियासठ सेंटीमीटर, देखो माप भी बता देता है, ठीक है ठीक है। अब जाइए, ठीक है, चार क्वाड्रेंट है और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताए हैं ऑल टी पॉजिटिव होता है। पहला क्वाड्रेंट में सभी टी फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब, और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। ठीक, रहने देना, वो मैं नहीं होता है। एक बार में मल्टीपल सिलेक्ट नहीं होता है ना, वो भी हम सीख जाएंगे कैसे होता है। होगा इसमें बहुत फंक्शन है, सब हमको पता ही नहीं, हो जाएगा उत्तर, रोज इस पे काम करेंगे ना ताकि आप सीख जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वाड्रेंट में, अब इसको बहुत ट्रिक वगैरह दिखाता है रटने के लिए, इसमें ऑल स्कूल टू कॉलेज, सब बकवास है, आप ऐसे सिंपल याद रखिएगा कि पहला में सब पॉजिटिव, दूसरा में साइन कॉसेक पॉजिटिव। तो अब साइन कॉसेक क्यों पॉजिटिव, तो दिमाग में रखिएगा कि इसमें ट्रायंगल बनाएंगे ना, तो पी और एच पॉजिटिव आएगा, इसलिए। तो मेन कंसेप्ट दिमाग में लाना चाहिए, कंसेप्ट से बच के झूठों के रट गए कैसा हूं तो फायदेमंद है नहीं सेहत के लिए, इसलिए इसमें कोई ट्रिक वगैरह हम अभी रटने के लिए नहीं लिखवा रहे। ट्रिक मतलब रटना थोड़े होता, मैथमेटिकल चीज है यार, रटिएगा तो नहीं काम चलेगा। अब कॉस से इसमें पॉजिटिव होता है, आप कहीं पर एकदम फद फद आ रहे, बोल दिए चलो चौथा में कॉस से, पूछेगा कैसे बता, कहो नहीं हम ऑल स्कूल टू कॉलेज काम उठाओ सिखाओ कैसे हो, इसमें ट्रायंगल बना लेंगे, कहेंगे देखो इसमें ट्रायंगल बना के जांच कर लो आप, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस लेकर, हां इसको तो याद रखना ही है, लेकिन इसके अंदर का जो कंसेप्ट है उसको रखना है, इन्हें इसको भूल कर और
all school to college child, all all student, मतलब कार्ड बन सकता है इससे, अपना एक लैंग्वेज बन सकता है. All silver tea cups, ऐसे भी बन सकता है, बहुत सारा बनेगा, लेकिन वो सब मिला जुला के कौन सी है, बकवास है. तो चौथा क्वाड्रेंट में क्या सीख गया कि कॉस और सेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा. अब आइए देखिए, अब इसी पर एक और बता रहे हैं बात. टी फंक्शन ऑफ एंगल माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, टी फंक्शन ऑफ एंगल माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, टी फंक्शन ऑफ एंगल माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा. माइनस थीटा का टी फलन, स्पेलिंग में लिखा है, माइनस थीटा का टी फलन थीटा के पदों में, थीटा के पदों में. अब सुनिए यहां पर y एक्सिस हो गया, e x एक्सिस, माइनस थीटा किधर होता है बताओ, इधर होगा माइनस थीटा, यानी कौन क्वाड्रेंट का मामला आ गया, फोर्थ का आ गया. इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है, पता है आप लोगों को, ठीक है. अब इसमें देखिए हम क्या पूछ रहे हैं आपसे, साइन माइनस थीटा पूछ रहे हैं, तो इसमें साइन का वैल्यू कौन सी में होगा, निगेटिव होगा, कॉस और सेक ही ना पॉजिटिव होगा, अदर टी फंक्शन क्या होगा, साइन के साथ माइनस थीटा, यानी एंगल हम चौथा क्वाड्रेंट का ले रहे हैं, तो चौथा क्वाड्रेंट के एंगल के लिए साइन का वैल्यू निगेटिव होगा, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें कॉस का वैल्यू, नहीं समझ रहे हो, समझ जाओ अंतर, फिर समझ जाओ. टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसे ही इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा. इस बात को लिखना है हमको, और हम लिखेंगे, मानेंगे नहीं. अरे इसमें क्या सीखे आप, देखिए इसमें सीख गए कि साइन माइनस थीटा कितना, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा वनली कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, फिर कॉट माइनस थीटा,
आया कि नहीं समझ में? तो माइनस थीटा फोर्थ में ना, कभी भी फर्स्ट सेकंड में थोड़ी आएगा, हमेशा किसमें आएगा? ये मामला फर्स्ट सेकंड में तो इसे माइनस में एंगल आ जाएगा भाई, फर्स्ट में तो पॉजिटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, थर्ड में नहीं ले सकते हैं। आपको ये भी नहीं पता थीटा 90 से कम होता है हमेशा, कहीं भी कोई भी फॉर्मूला में यूज करते हैं थीटा तो 90 से कम होता है, तो 90 से कम लेंगे तो थर्ड में किसे चल जाएंगे? हमेशा किस में रहेंगे? फोर्थ में ही रहेंगे। जो भी फॉर्मूला बनता है साइन थीटा टी बटा एच डी बटा एच, सब में थीटा 90 से कम होता है, लिखे थे, हिदायत भी दिए थे पिछले क्लास, खत्म कर दिए, लिखा है एक्यूट एंगल लिखा है निम्न कोण, आप देखिए अगर कॉपी तो कैसे भूल जाएंगे भाई, पूरा त्रिकोणमिति निम्न कोण पे पढ़ाना है, कैसे भूल जाएंगे? हाँ सुनिए, आज का क्लास यही तक रहेगा, आप इसको लिख लो, फिर समय बचेगा तो देखेंगे।